नमस्कार साथियों, मैं सोन चौधरी, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बाय सोन सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज बहुत विशेष एक अलग चीज लेके आया हूँ, और वो है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। साथियों, काफी विद्यार्थियों के फोन कॉल्स आते हैं कि सर, हमारे जब रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के बाद हमें कभी कभी हमारे कभी सवालों के अंदर लेकर हमारे को सेंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हम उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं। और तो उत्तर पुस्तिका किस प्रकार से क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो आप अपने विद्यार्थियों तो के साथियों, यदि आपके पास यदि ये वीडियो पहुंचता है तो आप अपने स्कूल के विद्यार्थी, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी बोर्ड की जो परीक्षाएं अभी वर्तमान में दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है, वो विद्यार्थी यदि अपनी उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है तो उसकी तमाम मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या चीजों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से वो उत्तर पुस्तिका आपके आए पास आएगी, किस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं, किस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप विद्यार्थियों के बहुत सारे सवालों का संयस इसमें मिटाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए साथियों, सबसे पहले क्या करना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी यानी समीक्षा, यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आपके सामने आएगा। यदि आप पहली बार रजिस्टर करने वाले यूजर हैं तो फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको गाइडलाइन बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आवश्यकता होती है इस फॉर्म अप्लाई करने में। साथियों, आप ई मित्र के माध्यम से इसकी अप्लाई कर सकते हैं। किसके माध्यम से साथियों? ई मित्र के माध्यम से। सामान्य शुल्क यदि इसकी जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड यानी एग्जाम रिजल्ट आने के 10 दिन के भीतर भीतर यदि आप आवेदन करते हैं तो 300 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका यानी लगेंगे। उसके पश्चात आगामी 3 दिवसों में विलम्ब शुल्क के रूप में 300 रुपये और यानी 600 रुपये आप प्रति उत्तर पुस्तिका यानी एक विषय की उत्तर पुस्तिका आप देखने के लिए आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। आप यदि ये चाहते हैं तो ई मित्र के इस माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, और चाहे तो अभ्यर्थी स्वयं अपने घर पर मोबाइल से भी इसको क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। उसे अपने डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से इसे इसकी शुल्क चुका सकता है। अब फिर विद्यार्थियों, बहुत सारी यह बात आती है कि सर, पुनर् मूल्यांकन या पुनः जांच क्या है ये? देखिए साथियों, मैं सबसे बात ये बहुत ही विशेष बात क्लियर कर देता हूँ आपको। समीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका के अंदर जो प्रदत्त अंकों का जो योग है, उसकी यदि भिन्नता होती है तो वो आपका सुधार हो सकता है, या अंदर बार यदि कैजिंग में भिन्नता हो, जैसे अंदर नंबर कुछ अलग दिया हो, मेन प्रश्न पर कुछ नंबर अलग दिया हो, उसमें भिन्नता हो तो आपकी वो रीटोटलिंग वो देखा जाता है, गलती त्रुटि होती है। योग में यदि सवालों का जैसे 1+2+3+ यदि सवालों का टोटलिंग कर रखी है, उसमें यदि भिन्नता हो तो उस आपको आपके नंबर जुड़ सकते हैं। किसी पसंद के अंक नहीं दिए गए हो, यदि मान लीजिए सवाल को जांच दिया गया है लेकिन उसमें नंबर अंक नहीं दिए गए हैं परीक्षक के द्वारा, तो नंबर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, या उत्तर पुस्तिका या अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि यदि त्रुटियों का निवारण करने से दृष्टियां की जाती है। यानी उत्तर पुस्तिका और अंक तालिका में यदि अंकों में यदि भिन्नता, जैसे हमारे अंक तो आए 40 और यदि मान लिया जाए कि हमारी जो अंक तालिका है उसमें 30 ही चढ़े, तो उसमें भिन्नता के आधार पर हमारे यहाँ पर पुनर् मूल्यांकन या री एग्जामिनेशन यानी रीओलेशन हो सकता है। लेकिन ये साथियों विद्यार्थियों, आपको बता देता हूँ, किसी भी सवाल को पुनः जांचा नहीं जाएगा। यदि आपने सवाल सही कर रखा है या नहीं कर रखा, उसको जांचा नहीं जाएगा। तो आवेदन पत्र मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या चाहिए। आवेदन पत्र में परीक्षार्थियों स्वयं की आईडी के आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी। इसमें आपको सामान्य शुल्क 300 रुपये लगेंगे, 600 रुपये यदि आपको लेट फीस के साथ लगेंगे, उत्तर पुस्तिका शुल्क निर्धारित की गई है, और उसके बाद 2600 रुपये यहाँ पर ई मित्र सेवा के रूप में दी गई है। और परीक्षार्थी इसकी समय समय पर सूचनाएं जो है समाचार पत्र के माध्यम से और बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से भी अपलोड की जाती हैं, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी, मेरे जो जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी विद्यार्थियों तक बोर्ड की तमाम जो जानकारी है वो पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो देखते रहिए इस चैनल को, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली जो तमाम जानकारी है मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा, साथियों ये ध्यान रखना, जो विद्यार्थियों जो प्रायोगिक परीक्षा उसकी चार्ज अलग लगेगा और सैद्धांतिक परीक्षा का अलग लगेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय जब आवेदन कर रहे हो उस समय
अपना जब ये प्रायोगिक परीक्षा वाला और सैद्धांतिक है तो उसमें टिक करते समय सावधानी से चयन करें, कॉलम का सही चयन करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि सैद्धांतिक को अपने वो चेक कराना था लेकिन प्रायोगिक पर टिक कर दिया, प्रायोगिक को चेक कराना था सैद्धांतिक पर कर दिया। तो ये आवश्यक रूप से एक बार अच्छी तरह से ध्यान ले गए आवेदन एक बार। ये साथियों एक बार बहुत बात बता देता हूँ विशेष रूप से कि आप यदि आवेदन एक ही बार कर सकते हैं, एक ही बार आवेदन में ही आप कितने विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करवाना चाहते हो एक बार में ही करवा सकते हो। तो यहाँ इच्छुक प्रशिक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके उसकी पहले से आवेदन कर सकता है, उसके बाद उसको वहां पर प्रोसेस कर सकता है। ये ध्यान एक महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, परीक्षार्थी एक या अधिक सभी विषयों के लिए एक आवेदन करता है कर सकता है, परंतु एक परीक्षार्थी को एक ही अवसर प्राप्त होगा दूसरी बार आवेदन वांछित विषयों में अंकित, तो एक बार ही आवेदन का अवसर उसे प्राप्त होगा। परीक्षार्थी आवेदन करते समय विशेष रूप से ध्यान ले जांच ले हुए कौन कौन सी चीजें, आप सैद्धांतिक के लिए कर रहे हो या प्रायोगिक के लिए, आपकी ईमेल आईडी का पता सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर सही होने चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल सही होनी चाहिए, परीक्षार्थी की ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक रूप से भरे, ये सारी चीजें आपको भरनी है, ये आपके पास पहले से तैयार होनी चाहिए। आवेदन करते समय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का एक पंजीयन किया जाएगा जिस पर गलत विषय की उत्तर पुस्तिका मिल सकती है, यदि आपने ऐसे गलत नंबर दे दिया तो आपको गलत उत्तर पुस्तिका प्राप्त हो सकती है। तो इसके लिए कौन है अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, यदि आपको गलत उत्तर पुस्तिका किसी दूसरे अभ्यर्थी की मिल सकती है तो आपको गलत आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उत्तर पुस्तिका समीक्षा करता है, उत्तर पुस्तिका के स्कैन की प्रति प्रसिद्ध करता है, आपकी सूचना आपको मोबाइल के माध्यम से उस पर मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट होंगे, और उस आईडी और पासवर्ड जनरेट होने के बाद आप यहाँ आरबीएससी की साइट पर आना है और 10 दिन के भीतर भीतर आपको उसको चेक करना है। उसको चाहो तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, यदि आप संतुष्ट हो गए तो कोई संतुष्ट हो गए तो आपको प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता नहीं हो सकती, यदि आपको आवश्यकता है तो उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो आवेदित विषयों को किसी भी अंग में परिवर्तन होंगे तो केवल उसी विशेष का मूल शिक्षा श्लोक 300 रुपये प्रति कार्य समाप्ति पर सभी प्रकरणों का एक साथ ऑनलाइन लौटाया जाएगा। यदि मान लिया जाए कि यदि आपने जो आवेदन किया और जो 300 रुपये आपने दिए हैं यदि वास्तव में बोर्ड के परीक्षक या बोर्ड की गलती होती है तो आपको 300 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे और आपके अंकों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आवेदन पत्र में बैंक अकाउंट विवरण पूर्ण रूप से सही अंकित करें, अपूर्ण होने की स्थिति में यदि शुल्क उसके बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता है तो परीक्षार्थी का क्या होगा स्वयं का जिम्मेदार होगा। तो मैं आपको आवेदन की प्रक्रिया प्रोसेस बता देता हूँ। परीक्षा वर्ग के लिए निर्धारित विलम्ब शुल्क अंतिम तिथि के बाद आवेदित परीक्षार्थियों को डाटा क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक परीक्षार्थी का पंजीकरण संख्या का आवंटन आवेदन पत्र पर यानी आपका आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा। और आवेदन पत्रों का निस्तारण किस आधार पर किया जाएगा, परीक्षावार किया जाएगा, जैसे पहले किसकी परीक्षा हुई थी उसके बाद संकायवार किया जाएगा क्रम अनुसार। आप धैर्य बनाए रखें, जल्दीबाजी नहीं करें, बोर्ड अपने कार्य लगातार करता रहेगा, आपके प्रति बोर्ड हमेशा वफादार है और आपको बारे में छात्र कल्याण हित के बारे में हमेशा सोचता है। तो बोर्ड स्तर पर वांछित कार्रवाई उपरांत आवेदन पत्र का निर्धारण होने की शिक्षा परिणाम चेंज और नो चेंज का आपको सूचना मैं उत्तर पुस्तिका स्कैन कॉपी बोर्ड की वेबसाइट पर कहां पर सिक्योरिटी 2020 के लिंक पर अपलोड किया जा सकता है और आपको आपको सूचना SMS के माध्यम से ईमेल आईडी और SMS के माध्यम से आपको आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। इसमें आपको कितने दिन के अंदर 10 दिन के भीतर दोस्तों याद रखना विद्यार्थियों कि 10 दिन के भीतर भीतर आपको उस सिक्योरिटी जो मैसेज मिलता है उस मैसेज से आपको आरबीएससी की साइट पर जाना है और आरबीएससी की साइट पर जाकर लॉगिन होना है और 10 दिन के भीतर ही आप उत्तर पुस्तिका को देख सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है 10 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिका देख लें, 10 दिन के बाद उसको हटा दिया जाएगा, वहां की साइट से हटा दिया जाएगा। अब उत्तर पुस्तिका परिणाम प्राप्त होने की आपत्ति यदि आप मान ले शिक्षा करवा कर यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका निस्तारण करने के लिए बाद उत्तर पुस्तिका की जो स्कैन कॉपी भेजी जाती है आपको उत्तर पुस्तिका की क्या भेजनी पड़ेगी, वो स्कैन कॉपी भेजनी पड़ेगी। तो इसका भी प्रोसेस कैसा है ऑनलाइन है साथियों, ये अभी आप निकटतम ई मित्र के और स्वयं के स्तर पर आपत्ति इस पर दर्ज कर सकते हो कि विषय का नाम पसंद संख्या और आपत्ति के संबंध में प्रमाण सहित अपनी निदाय शुल्क देकर 100 रुपये देकर इस ऑनलाइन आवेदन कर दें और ये अवधि पूर्ण होने के पश्चात आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको ऑफलाइन और हार्ड कॉपी आपत्ति स्वीकार नहीं जाएगी, आपको हार्ड कॉपी यहाँ पर नहीं भेजनी है। परीक्षार्थी में आपत्ति के बाद
प्राप्त आपत्ति शिक्षाविदों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। वो आपत्ति जो आपने भेजी है वो शिक्षाविदों के साथ अनुशंसा के आधार पर निवारण किया जाएगा और ऑनलाइन सूचित किया जाएगा आपको, जो अंतिम निर्णय होगा। तो विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर देखा जाता है कि परीक्षार्थी अंकों में वृद्धि का अपेक्षा के तुरंत आपत्ति प्रस्तुत कर देता है, जबकि वृद्धि नहीं होती, क्योंकि विगत वर्षों से ऐसी आपत्तियों में शिक्षाविदों के विश्लेषण में अधिकांश आपत्तियां खारिज की गई हैं। परीक्षार्थियों अंकों में वृद्धि की संभावना मात्र आपत्ति नहीं बल्कि वास्तविक त्रुटि और तथ्यों के आधार पर ही आपत्ति प्रस्तुत करें, ताकि बोर्ड का अनावश्यक श्रम ये ध्यान रखें कि आपको यदि वास्तव में संभावना है कि इसमें नंबर बढ़ सकते हैं मेरे या इसमें अंक बढ़ सकते हैं तभी आप इसमें आवेदन करें, नहीं तो बोर्ड का समय जाया न करें आप। साथियों, तो बोर्ड आपके परीक्षार्थी हमेशा और अभिभावक हमेशा धैर्य बनाए रखें और अब जल्दी आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सारी प्रोसेस होता है। साथियों, अब मैं आपको इसके आगे बता देता हूँ कि जैसे इसमें क्या करना है। सिलेक्शन, इसमें आपको जैसे क्लास चुनना है, आपकी सीनियर सेकेंडरी है, इसके अंदर आपको रोल नंबर डालना है, इसके अंदर आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर का नाम डालना है, बैंक आईएफएससी कोड डालना है, यहाँ पर ब्रांच नेम डालना है, यहाँ एड्रेस डालना है और यहाँ पिन कोड नंबर डालना है, यहाँ अपलोड आईडी डालनी है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। तो यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद जो आपको बोर्ड की साइट पर आगे आपका पेज जो ऐसा निकलेगा, आपको क्या करना है, उसके बाद सब्जेक्ट चुनना है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चुनना है, चयन करना है कि उसके बाद पेमेंट कर देना है। तो ये इस प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस है। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करिए। अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको सामने लेकर आता रहूंगा और बोर्ड की तमाम जानकारी आपको लेकर आऊंगा। और साथ ही एक और बात बता देता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक की तमाम कक्षाओं का अध्ययन जारी है। आपको प्रतिदिन यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं हमारे साथियों के द्वारा, बहुत सारे माने हुए विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी के वीडियो भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आने वाली जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।